अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स आप? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी में क्या बनाऊं, तो करेले फ्रीज पड़े थे मेरे पास फ्रीज़र में, तो मैंने कहा कीमा और करेले बनाती हूं आज। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं ये करेले, 1 केजी करेले मैंने साफ़ करके, क्लीन करके, धो के, वॉश करके, अच्छी तरह इसका पानी करवा निकाल के मैंने काट के फ्रीज कर लिए थे, कल मैंने फ्रीज किए थे, ठीक है। और इसमें मैं कीमा शामिल करूँगी, प्याज, टमाटर, मैं सबको सब कुछ आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी, आप पूरी वीडियो आप ठीक तरह से देखें, ठीक है भैया। पहले अब ये फ्राई होते हैं करेले, तो मैं इतनी देर और चीज़ों का इंतज़ाम करती हूँ। मैंने फ्लेम मैंने लो किया था क्योंकि फ्रीज थे, तो अब ये खुल गए हैं। मैंने अब हाई हीट पे मीडियम फ्लेम पे इनको मैं फ्राई करूँगी, ठीक है। इनको अच्छी तरह मैं फ्राई करके ना फिर निकालूँगी, फिर मैं कीमे की ग्रेवी बनाऊँगी, ठीक है। करेले लाइट ब्राउन हो गए हैं, देखें इनमें मैं प्याज शामिल करूँगी, मैं इस प्याज को भी इनके साथ फ्राई करूँगी। प्याज हो जाएगा तो फिर मैं इनको निकालूँगी। करेलों में प्याज और टमाटर ज़्यादा डालेंगे आप तो फिर ये कड़वे नहीं होंगे। पहले आप अच्छी तरह इसको वॉश करेंगे, पानी में छोड़ देंगे कुछ देर के लिए और फिर इसको वॉश करेंगे अच्छी तरह, और फिर उसमें अगर आप प्याज डालेंगे और टमाटर बाद में डालेंगे ग्रेवी में तो फिर ये कड़वे नहीं होंगे। प्याज भी देखें लाइट ब्राउन हो रहा है, देखें प्याज भी। अब ज़्यादा इसको हमने नहीं करना क्योंकि फिर प्याज एकदम से काला होके जलने लगता है, इसको हम तेज़ आंच करके निकालेंगे, तेज़ आंच करके निकालना है, ऐसा आंच करके नहीं, तेज़ आंच करके निकालेंगे तो फिर ये क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे, ठीक है। मैंने इस तरह निकाली है, देखिए इसको मैं प्लेट मैंने निकाले हैं, ये इस तरह ड्राई हो जाए, सारा घी निकल जाए, ऑयल सारा निकल जाए। तो व्यूअर्स की मैंने प्याज एक गड्ढी मैंने प्याज की ली है और ये वाले 2 स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं की कीमे की ग्रेवी बनाने के लिए। और ये मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है, प्याज मेरा लाइट ब्राउन होगा तो मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है, इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे सूख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, हल्दी डालेंगे हम छोटी चम्मच 1/2 टीस्पून, और सूखा धनिया हम डालेंगे 1 टीस्पून, चाय की जो होती है छोटी चम्मच, ये देखें डाल के हम इसको हल्का हल्का भूनेंगे। मसाले में आप गार्लिक पेस्ट शामिल करें, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे कीमे के लिए, हम अभी कीमा शामिल करेंगे। अब हम शामिल कर रहे हैं टमाटर, अभी हम टमाटर शामिल कर रहे हैं। अब मैं इसको आँच को मैं बहुत आहिस्ता कर दूँगी कि टमाटर गल जाएँ, ठीक है। बस हम अब कीमा डाल देंगे क्योंकि टमाटर मैश हो रहे हैं, कीमा शामिल करने लगे हैं। अब मैं इसको कीमे को अच्छी तरह भून के और फिर उसके बाद मैं करेले डालूँगी जो मैंने फ्राई किए थे, ठीक है। पहले हमने प्याज डाला, मसाले डाले, फिर हमने टमाटर डाले, अब कीमा डाल के मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। कीमा हमने भून लिया है और अब मैं इसमें फ्राइड करेले शामिल करने लगी हूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे मैं इसको भून के और फिर मैं इसको दम दूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा भून लूंगी हाई हीट पे। करेले और कीमा मैंने अच्छी तरह भून लिया था, थोड़ा सा मैंने 1 गिलास पानी डाला है कि कीमा अच्छी तरह पक जाए। इसको मैं 15 मिनट दूंगी लो फ्लेम पे, इसको छोड़ूंगी मैं। करेले रेडी हो गए, कीमा करेले देखें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, आप भी फ्राई कीजिए
तो मुझे बताइएगा। बस मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ थोड़ी देर तक।